हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, द व्हाट आर दीज इंटीजर्स। यानी कि तीन, अगर हम कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार तीन इंटीजर्स को अगर हम जोड़ते हैं और वो 51 तक ऐड करके आता है, तो फिर हमारा वो इंटीजर्स क्या होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व किया है। इसके लिए आप हमारे चैनल में देख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। यह हमारा 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो जब इंटीजर्स की बात हम करते हैं ना, तो तीन इंटीजर्स हमारे पास है, वो कंजिक्यूटिव है। तो मान लेते हैं कि पहला अगर इंटीजर हमारा एक्स है, देन उसके बाद x+1 होगा, फिर उसके बाद x+2 होगा। जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे उस तरह से प्लस भी होते जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट द थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर, पहला हमारा एक्स होगा, दूसरा हमारा x+1 होगा, एंड तीसरा हमारा x+2 होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये तीनों कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे अप टू 51 तक। दैट मीन्स कि x+1 x+2 और ये तीनों का सम हमारा हो जाएगा 51। अब इसमें से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो x प्लस एक्स हमारे पास 3x आ गया, प्लस 1+2 3 हो गया, इक्वल टू 51। जिसमें से हम लिखेंगे 3x इक्वल टू, ये 51 है, प्लस 3 को अगर हम लोग इक्वल टू के बाद भेजेंगे तो -3 में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास में आ गया 3x इक्वल टू, 51 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 होगा। अब इसमें से x की वैल्यू को अगर हम अलग करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 48 हमारा है और ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। कटने के बाद ये हमारा 16 आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास में पहला कंजिक्यूटिव जो हुआ वो 16 हुआ, दूसरा हमारा 16+1 17 हो जाएगा, और तीसरा हमारा 16+2 18 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस द थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर, एट फर्स्ट हमारा एक्स है मीन्स 16, दूसरा हमारा x+1 है मीन्स 16+1 दैट मीन्स 17, एंड तीसरा हमारा x+2 है मीन्स 16+2 यानी कि हमारा 18 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया।